सब्सक्राइब कीजिए हमारे राइडर ऑन रोड चैनल पर और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात कर रहा हूँ प्रेम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइडर ऑन रोड में। तो आज मेरा एक मूड बन गया कि मैं एक वीडियो बनाऊँ अपने एक्टिवा के ऊपर। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, जो ये फ्रंट शॉकर रहते हैं ये दोनों शॉकर ख़राब हो गए हैं मेरे। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डैमेज हो गए होंगे। तो इसका यानी टेंशन भी कम हो गया है, तो ये यानी जितने अपन रफ चलाएंगे गड्ढों में जाके उससे ये टेंशन ख़राब हो जाती है और इसके यानी जो शॉकर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये शॉकर चेंज करने पड़ेंगे अभी। तो और ये अराउंड चल गई है गाड़ी कुछ 45,000। और इसमें और एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है इसका ब्रेक केबल, जो आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक केबल। ये यहाँ पे ऐसे दबाता हूँ तो यहाँ पे रुक जाता है, ऐसा पीछे नहीं आ रहा है। तो ये ब्रेक केबल ख़राब हो गया होगा उसका, इसलिए मैंने यहाँ पे नया ब्रेक केबल लाया। और ये होंडा की न्यू शॉकर है, ये अराउंड मुझे होलसेल मार्केट में मिले तो ये मुझे 600 रुपीज़ के मिल गए। और ये एक्टिवा है, HET मॉडल 2016 मॉडल है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी मॉडिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये गार्ड और ये गार्ड खोलना पड़ेगा, और उसके अंदर जो यहाँ पे बोल्ट और ये रॉड लगी रहेंगी वो अपने को ओपन करने पड़ेंगी। और ये जो मेरे न्यू शॉकर है, यहाँ पे L और ये R लिखा है, यानी लेफ्ट और राइट लिखा है, ये हमें ध्यान से लगाना पड़ेगा लेफ्ट और राइट देख के। और सबसे पहले हमें खोलने के लिए अभी ये टूल्स लाया है हमने, ये टूल्स से हम ये सब खोल लेंगे, अभी उसको असेंबल कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो ये जो ब्रेक केबल लाया था मैं, जो यहाँ पे रखा है मैंने, तो ये जो ब्रेक केबल है जो उसके लिए ये और वो ऊपर का मास्क खोलना पड़ेगा, वो भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा अभी जो ये मैंने पुराने वाले शॉकर है वो अभी निकाल लिए है। इसकी कंडीशन तो अभी वैसे अंदर से तो ठीक है, बट वो बाहर से यहाँ पे ऐसे डैमेज हो गया था। जूम करके दिखाता हूँ, हाँ तो ये यहाँ पे डैमेज हो गया था। तो इसके जो देखो ये इतना सॉफ्टली ऐसे दब रहे है, बट जो ये न्यू वाले शॉकर है वो बहुत हार्ड है, वो नहीं दब रहे है। तो ये इसकी जो टेंशन रहती थी, ये देखो ये टेंशन थी, ये बहुत कम हो गई थी, इसके लिए ये ख़राब हो गई। ये यानी रिपेयर करके चलाने से भी चलते थे, बट मुझे नए ही डालना था तो मैंने नए डाल दिए ये। तो अभी ये वाले यहाँ पे फिट कर देता हूँ। चलिए,
फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे फिटिंग हो गई है, दोनों शॉकर मैंने लगा लिए राइट और लेफ्ट, और ये प्रॉपरली बैठ चुके हैं। और अभी मैंने इसको चला के भी देखा है, तो अभी जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। और फिर अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा